नाज़रीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान की एक शानदार नई एपिसोड में। आज आपको मैं लेकर आई हूँ लाहौर में किसके घर। ये बड़ा सा लॉन आप देख रहे हैं, ये प्यारा सा घर जो मेरे पीछे है, ये किसका हो सकता है? पता नहीं आपने पहले देखा है या नहीं देखा, बट मुझे तो बड़ा प्यारा लगा है। और ये शख्सियत जिनसे आज आपकी मुलाकात मैं करवाने वाली हूँ, ये भी बड़े प्यारे इंसान हैं, मगर साथ साथ उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। प्ले बैक सिंगिंग की दुनिया का पाकिस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स। तो आइए आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ आज के हमारे गेस्ट वारिस बेग साहब से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। फिजा आप आखिर आई गई मेरे घर में। आखिर आई गई, मैंने बड़ा जबरदस्ती इनको जो है ना रात को फोन किया, मैंने कहा बस आपके साथ मैं शो करना, मैं लाहौर आई हुई हूँ फिर मैं भाग जाऊंगी। मैं इसलिए आपका इस्तकबाल करने बाहर आ गया हूं। और क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ये इनको साइड पे कर ले, मैं अंदर चली जाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सजा हुआ है। किसका कमाल है? सिर्फ आपकी बेगम का कमाल है, आपका भी है? बेगम का ज्यादा कमाल है, लेकिन आपका भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत है। मतलब दोनों का मिलकर ही होता है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन मैं ज्यादा क्रेडिट उसको दूंगा। इंटरेस्ट लेते हैं घर की चीजों में कि ऐसी दीवारों का कलर होना चाहिए, ऐसे सोफे होने चाहिए? अगर मैं इंटरेस्ट ना लूं तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अच्छा, अक्सर मर्द भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं ना, औरतें कर रही होती हैं घर की चीजें। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की। थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस। क्या लगता है ड्यू टाइम में मिल गया? आजकल बड़ी जो है ना चर्चा है इस बात के ऊपर कि मेरिट पे मिलता है नहीं मिलता है, इतने सालों बाद मिलना चाहिए इतने सालों बाद नहीं। व्हाट डू हैव टू से अबाउट इट? मुझे 90% लोगों को यही पता था मुझे पहले मिल चुका हुआ है अवार्ड। लेकिन और मुझे जितने भी बड़े बड़े लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे ये कहा वेरी वेल डिज़र्व अवार्ड। स्पेशली मेरे लिए बहुत अच्छी प्राउड की बात थी कि खालिद अब्बास डार ने मुझे फ़ोन किया और इतने बड़े नामों ने जिनके पास खुद प्राउड परफॉर्मेंस हैं, सारे इम्तियाज़ हैं, तो मेरे लिए मैं समझता हूँ उस दिन अवार्ड की अहमियत बढ़ गई। बड़ी शानदार पेंटिंग्स हैं, खरीदी भी हैं या बनाई भी हैं? हैंड पेंटिंग है, मैं बनाता नहीं हूँ जी, मैं अच्छी लगती है मैं खरीद लेता हूँ। जनाब पूरी फैमिली को मैंने इकट्ठा कर लिया है और हम लोग बेसमेंट में स्टूडियो में मौजूद हैं एंड आई लव द स्टूडियो। गिटार भी यहाँ पर मौजूद है तो भाई ये बड़ी अच्छी साउंड भी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लोगों को भी जो है वारिस बेग साहब के घर इन हाउस स्टूडियो में लेके आया जाए। मगर उससे पहले आपकी मुलाकात करवानी है घर के एक और बड़े अहम फ़र्द से जिनको भाई म्यूज़िक से कोई खासा लगाव नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पूछते हैं मारूफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। माइक 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 दीजिएगा ये जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप मारूफ? मैं ठीक हूं। मारूफ आपको म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद? मुझे म्यूज़िक तो पसंद है लेकिन गाना नहीं आता, सुनने का मुझे शौक है। गाना गाने का शौक है वैसे? आते ही नहीं तो गाना क्या? पता कैसे चला कि आता नहीं है? किसने बताया? अपने लिए वैसे ही नहीं, हम आपस में जब बैठते हैं तो अच्छा गाना, जोर से गाना, बहुत जोर की गाता है, अच्छा गाता है। नो ही इज अ गुड रैपर, रैप अच्छा करता है। क्या करते हो आप? मेरा जीवन मैनेजमेंट करता हूं। इवेंट मैनेजमेंट, अच्छा। तो दोनों भाई में कितना एज डिफरेंस है? एक डेढ़ साल का है। अम्मार आप मुझे बताइए कि आप दोनों में से अब्बा से अब्बा का लाडला कौन है? मुझे लगता है हम दोनों ही लाडले हैं उनके। हाँ। हाँ। मतलब मेरा एक दोनों एक तीनों। हाँ, तीनों तीनों और एक हमारी बहन भी है बट शी इज इन द स्टेट्स, वो अमेरिका में रहती है जी। ओके, आप भाई रिंग रोड आप लोगों के लिए तो बड़ी स्पेशल है फॉर लाहौरीज। मैं बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ जितने भी लाहौरी हैं हाँ। उनके लिए एक ये समझने ब्लेसिंग है कि आप जब शहर से बहुत रश होता है तो मैं इसी रोड से जाता हूँ, रिंग रोड से। जैसे मैं अभी UFC जा रहा हूँ तो ये बेस्ट जगह है उससे जाने के लिए, 10 मिनट में 15 मिनट पहुँच। के बारे में बताएं। UFC जी पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जिम है जो लाहौर में बना है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड की बात है कि इतना बड़ा जिम, दुनिया का इतनी बड़ी चेन जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जिम बना है, तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस जिम में जो ट्रेनर है ना वो सारे फॉरेनर हैं। अच्छा। तो जो इमरान खान साहब का सच जो ख्वाब सच्चा किया है
वो इस जिम के मालिक ने कहा मेरे अच्छे दोस्त हैं शहजाद राव साहब, उन्होंने इसको ख्वाब को सच्चा किया कि बाहर से लोग आके यहाँ जॉब्स करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे बाहर के लोग जो हैं ट्रेनर यहाँ पे ट्रेनिंग। अरे वाह क्या बात है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बड़ी खुशी होती है जब अपने मुल्क में जो है वो लोगों को दूसरे ममालिक के लोगों को इंटरेस्ट लेते हुए देखते हैं। बिल्कुल ऐसे है ना। अच्छा मैं आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलूंगी मौके का फायदा उठाते हुए। चलें जी पहला सवाल आपसे करते हैं, इनमें से कौन आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन है, मीरा जी, वीना या रेशम? एक्टिंग में रेशम और खूबसूरती में और मीरा और दोस्ती में वीना। ये देखो सब का जो है ना हो गया बराबर। ओके कौन सा हीरो है जो लाजमी अपने वीडियो सॉन्ग में कास्ट करेंगे, मोहम्मद राना, शान या बाबर अली? अब मैं तीनों मेरे दोस्त हैं हाँ। लेकिन अगर मेरा सबसे अच्छा गाना किसी ने पिक्चर्स कराया वो आपका दिल में जगह शान ने कराया था। शान। ओके इनमें से आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है, उस्ताद अमानत अली, मेहदी हसन या गुलाम अली? गुलाम अली साहब। ओके इन सिंगर्स में से फेवरेट कौन, नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ, फरीदा खानम या नसीम बेगम? मैडम नूर जहाँ। मैडम नूर जहाँ। इनमें से किस सिंगर के साथ डुएट करना चाहेंगे फिल्म इस वक्त प्रेजेंट में, हदीका कयानी, फरिया परवेज या कोमल रिजवी? फरिया परवेज और हदीका कयानी। ओके इनमें से कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी हैं और अच्छा गाती भी हैं, न्यू कमर्स के नाम हैं मोमना मुस्तहसन, आयमा बेग और गुलपनरा? गुलपनरा। ओके किस पॉलिटिशियन का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीन है आपके हिसाब से, शेख रशीद, साद रफीक या फवाद चौधरी? अरे सेंस ऑफ ह्यूमर चौधरी। वाकई शेख रशीद से भी ज़्यादा? वो तो हमेशा वो कोई इंजन ही खोलते रहते हैं। ओके सिस्टम खराब है, इंजन खराब है। किस सियासतदान में आपको लगता है कि जी अच्छा गाना गाने की भी एबिलिटी है, शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, आमिर लियाकत? शहबाज शरीफ। शहबाज वाकई अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ओके आजकल किस सिंगर का अंदाज आपको आजकल ज्यादा पसंद है, आतिफ असलम, साहिर अली बग्गा या राहत फतेह अली खान? आतिफ। आतिफ। आतिफ का फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट कोई गाना? मुझे इसका पहला गाना बहुत अच्छा लगता है, अब तो आदत भी है। चलें बस अब हम जिम तो जा रहे हैं, आप खुद जिम वगैरह रूटीन है, आपकी हेल्थ कॉन्शियस है? कभी कभी जाता हूँ, इसलिए आज आपको लेके जा रहा हूँ कि आपको दिखाऊं मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। चलें चलते Look at the gym. क्या बात है? क्या बात है? अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं जी, इनका प्लान है कि दिसंबर के अंदर या अगले साल यहाँ पे आर्नोल्ड और श्वार्ज़नेगर और रॉक आ रहा है। ओह वाओ, हाँ जी, तो यहाँ पे फाइट होगी, मैं आपको फाइटिंग क्लब भी लेके जाता हूँ जहाँ पे वो फाइट होगी। साग, कौन सी रोटी, मकई की रोटी, ये होता है ना कमाल।